card? No. नमस्ते मीन भाई। हाँ जी नमस्ते। क्या हाल जी? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप सुना, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, बहुत खैरियत है। और वेलकम टू क्लैप ट्रैप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं पहलगाम में। हाँ, हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी जानते हैं पहलगाम की ब्यूटी। हाँ सर। आज हम एक ऐसी कश्मीरी आर्ट के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा अंडररेटेड है। हाँ सर। है ना, हिंदुस्तान के बाहर तो बहुत लोग खरीदते हैं उसको। हाँ सर। लेकिन हिंदुस्तान में थोड़ा अभी उनका चलन थोड़ा कम हो रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, उसकी डिटेल आज आपसे जानकारी लेंगे। सही बात कर रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स को बता दें, आपके स्टोर का नाम क्या है? एस आर्ट्स। एस आर्ट, ए एस आर्ट, ए एस आर्ट्स। ठीक है, और क्या क्या चीज़ बनाते हैं आप? हम सर पेपर मशी बनाते हैं। पेपर मशी में हर कोई आइटम बनाते हैं, छोटे से बड़े तक। पेपर मशी। इसकी डिटेल हम आपसे जानेंगे। कोई बात नहीं सर। ये होता है सर, इसमें कुछ आइटम होता है वुड का भी, कुछ आइटम होता है पेपर मशी का सर। ये सर क्या होता है, ये पेपर होता है, प्रेस कटिंग होता है, और उसके साथ लकड़ी का चूरा लगा दिया सर, वो पानी में भिगोते हैं, फिर कोटते हैं सर। कोटने के बाद उसको पोर्ट्रेट जैसा बनते हैं, फिर उसको मोल्ड होते हैं सर। अच्छा। मोल्ड के ऊपर बनाते हो मुख्तलिफ अलग अलग किस्म की बॉक्सेस, डिफरेंट किस्म की बॉक्सेस बनाते हैं सर। फिर आती है कारीगर के पास, वो उसको पहले सर स्मूथिंग करते हैं, फिर उसको टिश्यू पेपर लगाते हैं सर, उसके बाद बैकग्राउंड कलर लगाते हैं सर, उसके बाद ये सब हैंड पेंटेड करते हैं सर। सब हैंड पेंटिंग है सर। अच्छा, हर आइटम को इंडिविजुअली हैंड पेंटेड किया जाता है। हाँ, सब कुछ सर हैंड पेंटिंग है सर। ठीक है। अब ये जो आपका जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे ये सब बनाते हैं आप, वो सब श्रीनगर में है? हाँ सर, वो श्रीनगर। हम भी श्रीनगर के हैं सर। अच्छा, आप श्रीनगर के हैं? ठीक है। और शायद हम कल जो है जाएंगे श्रीनगर, और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपकी फैक्ट्री भी विजिट कर सकें। वेलकम सर, कोई बात नहीं। ठीक है, अब एक एक करके हम प्रोडक्ट देखते हैं आपके पास क्या क्या है, क्या क्या चीज़ बनती है, फिर हम हमारे व्यूअर्स को डिटेल बताएंगे। उससे पहले एक आप आइटम हमें उठा के दिखा दीजिए, एक पीस आप हमें बताइए, ये जो पेपर में है। पेपर में है जो? हाँ जी, हाँ जी, ये सर पेपर मशीन है सर। अच्छा, ये पेपर मशीन का बॉक्स है सर। ये एक एग्जांपल है। हाँ, ऐसे हम बहुत सारी चीजें भी अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। हाँ सर। जनरली पेपर को सोक करके पल्प, हाँ उनका एक पल्प बनाते हैं। ये सर। उसमें लकड़ी का बुरादा मिक्स करते हैं। हाँ, और उसके बाद मोल्ड से इनको बनाया जाता। हाँ, है। ठीक है। फिर ये जितनी भी इसके ऊपर पेंटिंग हो रही है, सब सब हैंड पेंटिंग है सर। अच्छा, पूरी की पूरी हैंड पेंटिंग है सर। ओहो, इसे बहुत टाइम लगता है सर बनाने में सर। क्या बोलते हैं सर? पेपर मशी, मतलब बनाने में बहुत टाइम लगता है। असली वैल्यू होता है सर पेंटिंग का सर। अच्छा, इसमें सर बहुत टाइम लगता है बनाने में सर। ओह ओके। कौन कौन से इसमें कलर्स इस्तेमाल होते हैं? वो केमिकल? बहुत सारे कलर। इसमें व्हाइट आता है सर, व्हाइट कलर। इसमें हम डिफरेंट कलर बनाते हैं, अलग अलग कलर, जैसे ब्लू है, पिंक है, और भी बहुत सारे कलर है इसमें। चलिए, अब एक एक चीज जो आपके पास है वो देखिए। ये हो गए सर। अब हम अपना सफर शुरू करते हैं और आपके साथ देखेंगे। मोहम्मद भाई, आप बता रहे थे हमको कि वॉल से स्टार्ट करते हैं, ये क्या है? ये सर वॉल पे लगाते हैं, वॉल प्लेट है सर। अच्छा। हाँ, ये भी पूरा हैंड पेंटिंग है सर। ये डिजाइन है, इसको कहते हैं सर चिनार पत्ता। चिनार पत्ता। हाँ सर, ये यहाँ का जो फेमस चिनार की पेड़ है सर, ये बना हुआ सर, ये एम्बॉस करके इसको कहते हैं सर। ठीक है। चीजों की डिटेल जानेंगे। कुछ लोगों को लगेगा पेपर है ये खराब नहीं होता, इसकी लाइफ लंबी है। खराब नहीं होता, ये लाइफ टाइम चलता है सर। अच्छा। वॉशेबल होता है सर, अनवेयरेबल होता है सर। अच्छा, ये 20-30 साल बाद भी ऐसे रहेगा सर। ठीक है, मैला हो जाएगा ना सर, ये वॉश भी कर सकते हैं, गीले कपड़े के साथ वॉश भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके, ऐसे रहेगा। ठीक है, आपको हमने माइक नहीं दिया क्योंकि माइक नहीं था हमारे पास। हाँ, इसलिए आप जो बोलेंगे हम थोड़ा थोड़ा दोबारा, वी विल ट्राई टू रिपीट दैट इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। अब आपने एक तो प्लेट्स दिखा दी, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, बताइए आप बताइए पहले। ये सब टेबल लैंप सर। अच्छा, इसके इधर वायर लगता है सर, इधर बल्ब लगता है, ऊपर शेड लगता है, ये टेबल लैंप है सर। ठीक है, ये भी हैंडवर्क है, पेपर का ही है, है ना? सब है। ठीक है, कितने का है ये? ये सर 1,500 रुपीज। ठीक है, विदाउट शेड है, शेड भी आएगा। विदाउट शेड हम अपने एंड से लगा सकते हैं इसमें, है ना? और जो प्लेट अभी आपने हमको दिखाई थी, सारी प्लेट्स की वैरायटी दिखा देते हैं अभी। अलग अलग डिफरेंट वैरायटी है सर। जी, कुछ हमें प्लेट्स की वैरायटी दिखा दीजिए वैसे। अच्छा, इसमें डिफरेंट डिजाइन है सर। दिस इज वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। इसके पीछे हैंग करने का तरीका है, वो भी दिखा दें। इसमें ऐसे होते हैं सर। ओके ओके, ये कितने का है जो आपके हाथ में? ये सर 1,500 का है। ठीक है, एक ये ब्लू कलर का है जिसमें फ्लावर है, सेम साइज है सर। ये कितने का है? ये भी सेम साइज है। अच्छा, क्या ये साइज के हिसाब से इनका प्राइस है कि इनके कारीगरी के हिसाब से? साइज के हिसाब से भी, कारीगरी के हिसाब से। जितना महीन काम होगा उतना महंगा होगा। जैसे कि ये प्लेट है सर, ये भी सेम साइज है सर। ये भी सेम साइज है सर, लेकिन इसके
क्योंकि इसमें डिटेल काफी है, इसमें फाइन वर्क है सर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है ये। इनको जनरली लोग मल्टीपल लगाएं वॉल पे, एक वॉल के ऊपर आप 10 से 12 लगाएंगे तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, है ना? जितना जहां जितना स्पेस है ना वहां उतना प्लेट लगा सकते हैं। ठीक है, इनकी और डिजाइन है वो हम जूम करते जाते हैं। अब आपके पीछे जो है वाला, ये वाला, ये कितने का है? ये वाला जी, ये वाला सर 1500 का है। 1500 का, 1500 का। सेम साइज है सर, इसमें इतना बॉडी में मतलब इतना फाइन वर्क नहीं है सर, इससे फाइन वर्क। ठीक है, ऊपर वाला है वो 2500 का है, है ना? दूसरा प्लेट ये है सर। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा है साइज में। ये बड़ा साइज है, गोल्ड वर्क में है ये। ये कितने का है? ये सर 2500 का है सर। ठीक है मोहम्मद भाई, एक चीज और बताइए मुझे, जो बड़े प्लेट्स हैं उन्हीं के छोटे मिल जाएंगे ना सेम डिजाइन में हमको? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही जैसे बनाने लगाना चाहेंगे। ये कितने का है? ये 2500 का है सर। ठीक है, अब जल्दी से हम दिखा दें, ये इस प्राइस रेंज में है। और एक और है जिसमें एम्बॉस वर्क भी है गोल्ड के अंदर, वो बीच वाला जो है जी सर, ये कितने का है? ये भी 1500 का है सर। अच्छा, अमूमन ये सब 1500 के आसपास सारे मिल जाएंगे, 1500 से 3000 तक सर, 4000 तक भी होता है सर। ओके, ये देखिए दूसरा डिजाइन है सर। अरे वाह, ये डिफरेंट कलर है और डिजाइन भी अलग है इसका। और डिफरेंट, ये कितने का है? ये 2500 के सर। ठीक है, किसी को अगर कलर कस्टमाइजेशन कराना हो तो वो भी बन सकता है ना, अगर किसी को बल्क में चाहिए तो। कुछ यहाँ पे प्लेट्स के एग्जांपल हैं, वो दिखा देते हैं। ये सेट होता है, 3 पीस का सेट होता है सर। अच्छा, एक जैसे जो है, एक जैसा ओके। अगर किसी को एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में लगाना है, बड़ा छोटा फिर उसके बाद में सबसे छोटा, ये पूरा सेट में मिलेगा? हाँ, हाँ, कितने का? ये सर 4500 का सेट है। ठीक है, ये ब्लू वाला? ब्लू वाला नीचे वाला 1500 का है सर। 1500 रुपीज। ठीक है, प्लेट्स की कुछ और डिजाइन है वो भी दिखाते हैं हम। ये देखो सर, ये मुगल आर्ट डिजाइन है सर। कौन सा वाला? ओके, आपके पास आते हैं अभी हम। ओके ठीक है, ये कितने का? ये सर 1800। अच्छा ठीक है, नॉट समथिंग दैट अपील्स टू मी, माय चॉइस, बट कुछ लोगों को पसंद आता है वो। ये सर बड़ा साइज है सर। अच्छा, ये कितने इंच का होगा? ये होगा 16 इंच का सर। 16 इंच में है वो। एक उसके ऊपर वाला जो है वो और भी अच्छा है। ये सर, ये कितने इंच का है? ये भी 16 इंच का है। कितने का है? ये सर 3500 का है। ठीक है, और ये भी सेट ऑफ 3 है जो अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे डिजाइन हैं जो कि प्लेट्स में हैं, है ना? इसके अलावा यहाँ पे जो रैंडमली देख लेते हैं, ये क्या है? शिकारा? ये सर शिकारा है। ये भी वुड में है? ये वुड में है। नहीं सॉरी, वो पेपर में था, ये वुड में। ये वुड में सर, रियल वुड है। कौन सा वुड यूज होता है इसमें? इसमें होता है कायरो, लोकल वुड है वो, कायरो। ओके, आप हमसे थोड़ा दूर है तो इसलिए जो आप बता रहे हैं हम रिपीट करते जाएंगे। कितने का है ये? ये सर 4000 का है। ठीक है, एक शो स्टॉपर भी है हमारे पास, वो जाएंगे। ये बताया आपने 4000 रुपीज का, 4000 रुपए का है। फ्लावर वेस्ट जो है नीचे वो कितने का है? ये सर 3500 का है। ठीक है, ये छोटा वाला फ्लावर वेस्ट, ये कितने वाला? 1800 का है। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो दिखा रहे हैं व्यूअर्स को, वो ये एलिफेंट सर, है ना? इनको कैसे बनाते हैं ये सर? अलग अलग पार्टों में, ये पेपर मशीन में बनता है। पेपर में ये जी, ये तकरीबन 8-9 हिस्सों में बनता है सर, अलग अलग। ओके, सर वो बनाने वाले अलग है, बाद में हमारे पास आके है सर, हमारे उसको कलर करते हैं, मतलब वर्क करते हैं सर। जैसे कोई ट्रंक बनाता है, कोई बॉडी बनाता है, कोई लेग्स बनाता है सर। ठीक है, और ये भी अलग अलग साइज में अवेलेबल है? ये भी अलग है सर। इसमें ये सर 22 इंच का है। अच्छा, ये सर 22 इंच का है सर। इसमें आता है दूसरा 24 इंच का है, तीसरा आता है सर इसमें 18 इंच का है। अच्छा, इसमें डिफरेंट साइज होते हैं। ओके, तो 18, 20, 22 ऐसे ये चलते हैं। ये कितने इंच का जो है? ये सर 22 इंच। कितने का है? ये 45000 का सर। ओके, जनरली इनको घर के एंट्रेंस पे लोग रखते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे शिकार हाउस बोट है। ये हाउस बोट है सर, ये भी वुड में है सर, ये वुड में है सर। अच्छा, क्योंकि ये काम पेपर में नहीं हो सकता है ना? ये काम पेपर में नहीं हो सकता, जो सर वुड में बनता है ना वो पेपर मशीन में नहीं बनता है, जो पेपर मशीन में बनता है सर वो वुड में नहीं बनता है सर। बहुत अच्छा बनाया है ये वाला। ये सर ये पूरा सब हैंड पेंटिंग है सर, इसके वो ये यहाँ का फेमस आर्ट है, पेपर मशीन कश्मीर का फेमस आर्ट है सर। ठीक है, ये कितने का है? ये सर 9000 का है। डन, अगले पे चलते, वो एलिफेंट देखेंगे, फिर छोटी छोटी चीजें देखेंगे। ये सर दूसरा एलिफेंट, ये 12 इंच वाला है सर। ओ, इसपे तो और बारीक काम किया हुआ है, है ना? ओके, और मल्टी कलर में है ये। ये कितने का है? ये सर 5000 का। 5000 रुपीज। और ये व्हाइट वाला जो बड़ा वाला है, ये सेम साइज है, 22 इंच का सर। इसमें वर्क डिफरेंट, वर्क सेम है लेकिन कलर डिफरेंट है इसमें। अच्छा, ये कितने का है? ये भी 45000 का सर।
ठीक है, अब आप हमारे साथ इस तरफ आ जाइए, कुछ छोटे छोटे आइटम्स हैं वो भी हम हमारे व्यूअर्स को दिखा देंगे। वॉलनट वुड का ये, क्योंकि एलिफेंट की बात चल रही है तो एक और एलिफेंट है यहाँ पे, एक मदर एलिफेंट और बेबी एलिफेंट है ये वुड में। हाँ सर, वॉलनट वुड में। अच्छा, वॉलनट वुड में ये। अच्छा, तो इस हैंडवर्क है पूरा, कार्विंग है पूरा हैंडवर्क है। ये कितने का है? ये 1500 का है सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं अभी हम? नेक्स्ट पे एलिफेंट भी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट ये एलिफेंट सर जी। ओ, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये देखिए सर, ये 4 पीस का सेट है सर। अच्छा, ये कितने कितने के? ये सर सेट आते हैं एक साथ, ये 4 पीस के होते हैं सर। ये देखिए सर, ये 4 पीस का सेट होता है, ये भी वुड में है सर। अच्छा, रियल वुड है, वॉलनट में। ये कितने का है? ये 1800 का है सेट। अच्छा ठीक है जी। ये छोटा साइज है सर, टिश्यू बॉक्स है ये। ये कितने का है? ये सर 750। ओके, दूसरा टिश्यू बॉक्स ये बड़ा साइज है सर। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बढ़िया है। एक काम करिए, व्हाइट वाला जो है वो आप एक मुझे दे दीजिए, मैं परचेज करना चाहूंगा। ये कितना खूबसूरत है, कितना प्लेन एंड स्मूथ है, हैंडवर्क है सर जी। अच्छा, किसी भी साइज के टिश्यूज जो है वो इसके अंदर रख सकते हैं ना? साइज भी बनाते हैं सर। अच्छा, इसे पूरा डब्बा आता है बड़ा वाला, इसमें छोटा डब्बा आता है सर। ठीक है, गाड़ी में रखने के लिए भी बहुत अच्छे है ये, दूसरा इसमें ये भी यहाँ से खुलता है सर। कितना बारीक काम है इसके अंदर, देखिए पूरा हाथ का काम किया हुआ है। ये दिखाइए, ये कितने का है? ये 950 का सर। ओके, इनको खोलने का तरीका कैसे? खोलने का तरीका ऐसे है सर, यहाँ से खुलता है। और ये वाला? ये वाला ऊपर से कवर है ये। हाँ, गाड़ी में रख सकते हैं इनको, है ना? ठीक है, बहुत सारे टिश्यू के बॉक्स भी हैं यहाँ पे, देख रहे हैं मोहम्मद भाई के पास में। और ऊपर जो बॉक्सेस हैं वो दूसरे बॉक्सेस सब ये हैं, ये मेक, इसको कहते हैं मेकअप बॉक्स सर। अच्छा, इसमें अंदर कपड़ा वगैरह लगे हुए। अच्छा, जो मेकअप का सामान, ज्वेलरी वगैरह आप इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, इसको बंद करके दिखा दीजिए एक बार। ये क्या साइज से स्टार्टिंग है इसका? ये 10x8। और कितने तक जाता है? ये जाता है 1700 रुपये। ये 1700 का, इसके छोटे बड़े भी आते होंगे ना हमारे पास? ओके ठीक है। इंडिविजुअली आप, मैं थोड़ा इंग्लिश में बता दूं व्यूअर्स को कि जनरली व्हेन यू कम टू अ स्टोर लाइक दिस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द राइट प्रोडक्ट बिकॉज एवरीथिंग इज केप्ट इन वन प्लेस। आप इंडिविजुअली देखेंगे तो उनकी ब्यूटी पता चलती है, आपने वहां से निकाल के दिखाया तो पता चला है कितना खूबसूरत है। ये पेपर में है? नहीं सर, वुड में है सर। ये वुड में? ठीक है, इसीलिए बहुत लाइट वेटेड वुड है ये। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर है सर। ठीक है, कुछ वहाँ पे वो जो रखे हुए पॉट्स, दूसरा होता है सर ये टी कोस्टर। अच्छा, ये बॉक्स है सर, इसके अंदर 6 पलियट है सर, 6 पलियट है सर, टी कोस्टर है सर। ये भी वुड में होगा? हाँ ये भी वुड में होगा। ठीक है, कोई भी चीज गरम रखेंगे तो उस पर खराब नहीं होगा ना? इसलिए होता है, वॉशेबल होते हैं सर। अच्छा, इसमें राउंड भी आता है, स्क्वायर भी आता है सर। ओके, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस है सर, आप देखिए यहाँ से उठाएंगे। ये जो राउंड वाले हैं ये डेकोरेटिव पीसेस हैं ना, जो ये कितने के? ये वाला सर जी, ये 750 का सर। ओके, इनके भी अलग अलग साइज में हमारे पास मिल जाते होंगे ये सर। ट्राइज है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की ट्राइज है सर। अच्छा, ट्रे एक दिखा दीजिए हमको, ट्रे भी, ये भी हैंडमेड है, वुडन है? सब हैंडमेड है, वुड का है सर। अच्छा, ये देखिए कितना खूबसूरत निकाल रहे हैं, पूरा हैंड पेंटिंग है सर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये, बहुत खूबसूरत है ये, वेरी नाइस। ये कितने का है? ये सर 3500 का। ओके, इसमें सर फाइन वर्क है, बहुत डिटेल है ये। इसको मोहम्मद भाई कितने सारे लोग, मतलब एक इंसान आपको से एक ही बंदा बनाता होगा इसको? उनको बनाने में काफी टाइम लगता होगा ये? तकरीबन 4 दिन में एक पे बनता है। 4 दिन में? फिर भी बहुत फास्ट है, है ना? पेंटर्स हैं वो सारे, आर्टिस्ट हैं वो सब, है ना, हुनरकार हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज है सर। अच्छा, सर्कल भी है इसमें, राउंड भी है। ठीक है, आप जब तक और प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम अपने व्यूअर्स को दिखा दें कि यहाँ पे कुछ पेन स्टैंड हैं जिनको आप फ्लावर वेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बॉक्सेस भी हैं, वेरी लिटिल बॉक्सेस, ये अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसला आप ज्वेलरी वगैरह बना में रख सकते हैं इसको। और छोटे छोटे यहाँ पे कुछ कछुए भी हैं, और ये छोटे छोटे आइटम्स हैं जो डेकोरेटिव पीसेस हैं जिनको आप जगह जगह तर में तमाम जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर पीस को बताना मोहम्मद भाई थोड़ा मुश्किल है। बैंगल भी हमारे पास क्या प्राइस हैं? ये सर 30-35 का। अच्छा, 35 रुपीस। और गैलरीज भी हैं, बॉल्स भी हैं। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट आइटम है सर। ओके, और ये हैंगिंग भी है सर, वो वाला हैंगिंग वाला। अच्छा, हैंगिंग आइटम्स भी है हमारे पास। इनको कैसे लोग लगाते हैं, जैसे आपने लगाया हुआ है? हाँ सर, इस तरह से इनको हैंग कर सकते हैं, है ना? बहुत खूबसूरत है ये। चलिए,
वेरी नाइस, बहुत अच्छा, आपका दुकान एकदम म्यूजियम की तरह है, थैंक यू सर, है ना। अब जाने से पहले बता दें कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट आप ऑल इंडिया में भेज देंगे ना, कहीं भी मंगाएंगे लोग? कहीं भी भेज सकते हैं सर, कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है, जितने कुछ सारे चीज़ों के प्राइस हम नहीं बता पाए हमारे व्यूअर्स को, वो आपको फ़ोन करेंगे मान लीजिए, तो आप उनको दिखा दीजिएगा, प्राइस बता दीजिएगा, और कोरियर चार्जेस अलग से लगेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।